बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की अगर बात करें तो अक्षय कुमार अपनी 11 अगस्त को फिल्म रक्षाबंधन लेकर आने वाले हैं। अक्षय कुमार को लेकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि अक्षय कुमार ही बॉलीवुड को इस बार रिवाइव करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल एक के बाद एक बॉलीवुड की कई सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। लगातार लाइन से फ्लॉप होने के साथ ये अक्षय कुमार भी इस चपेटे में आए, लेकिन रक्षाबंधन के रिस्पॉन्स को देखकर ऐसा लग रहा है मानो रक्षाबंधन बॉलीवुड को रिवाइव करेगा। इससे पहले जब कोविड खत्म ही हुआ था और सिनेमाघर जस्ट खुले ही थे और हर कोई कतरा रहा था कि आखिरकार अपनी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज करें या नहीं, तब अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म सूर्यवंशी के साथ आगाज किया था और आगाज इतना शानदार रहा कि हर किसी को ये फिल्म पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई भी की। इसके बाद फिल्मों ने बिजनेस तो किया लेकिन बॉलीवुड ने नहीं। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्मों ने बिजनेस किया। अब अल्लू अर्जुन का भी रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन जो है वो बॉलीवुड को वापस ला सकती है। जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्म अक्षय कुमार करते हैं, जो उनका स्टारडम है, ऐसा किसी का भी नहीं है। अक्षय कुमार को अल्लू अर्जुन ने अपना फेवरेट एक्टर भी बताया। ये भी बताया कि मैं उनकी फिल्में हमेशा से देखता हूँ और कभी ना कभी अगर मेरी किस्मत रही तो मैं उनके साथ काम ज़रूर करना चाहूँगा। बहरहाल अक्षय कुमार और अल्लू अर्जुन को तो आप हाल फिलहाल साथ नहीं देख पाएंगे, लेकिन रक्षाबंधन 11 अगस्त को सिनेमाघरों में आप देखने जा सकते हैं क्योंकि अक्षय कुमार इस बार एक यूनिक स्टोरी लेकर आ रहे हैं। कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए कमेंट के जरिए बताएं और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।